Glory be to the word of God. परमेश्वर के वचन की महिमा हो. And glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. परमेश्वर पिता की महिमा हो, परमेश्वर का पुत्र की महिमा हो, और परमेश्वर पवित्र आत्मा की महिमा हो. Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, thank you for joining with us, Satya Markam TV channel. सत्य मार्गम टीवी चैनल में आप सम्मिलित होने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू फॉर यू टू एंजॉय द ब्रेकफास्ट विद जीसस द मॉर्निंग डिवाइन फूड. धन्यवाद देते हैं कि आपने इस ब्रेकफास्ट का समय, सुबह का नाश्ता के समय यीशु के साथ में करने के लिए आपने उपस्थिति दी, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ. अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गिविंग अस द ब्रेकफास्ट The spiritual food, that is the word of God, is giving us bread of life. परमेश्वर हमें जो सुबह का नाश्ता देता है, जो कि परमेश्वर का वचन है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. Jesus is converting his word of God, that is omnipotent word of God, as a bread of life and giving to our soul. और यीशु हमारे जीवन में परमेश्वर वचन को बदल कर हमारे शरीर के लिए एक वचन जो जीवन की रोटी है वह देता है. When our soul filled with omnipotent word of God, bread of life, जो सर्व सामर्थ्य वचन है, वो परमेश्वर का वचन है, वो हमें दिया जाता है. That time our soul will get the healings, inner healings. जो वचन जीवन की रोटी बनकर हमारे प्राणों के लिए दिया जाता है, वो एक जीवंत वचन हो जाता है. The inner healings that gives holiness and sanctification in our soul. प्राणों के अंदर से अंदरूनी चंगाई हमें मिलती है, वो हमें हमारे अंदर एक शुद्धता निर्माण करती है. सो द ब्रेड ऑफ लाइफ व्हेनेवर वी आर ईटिंग विद द हेल्प ऑफ जीसस हिज वर्ड्स दैट विल गिव अस हीलिंग इन अवर सोल एंड सैंक्टिफिकेशन इन अवर सोल फर्दर जॉय एंड हैप्पीनेस इन अवर सोल. परमेश्वर का वचन जो सर्व सामर्थ्य वचन है, यीशु उस वचन को हमारे प्राणों के अंदर डालता है ताकि हमारे अंदरूनी चंगाई होती है और हमारे अंदर में एक आनंद, शांति, समाधान निर्माण होता है. सोल मीन्स आवर थॉट सिस्टम, थिंकिंग पैटर्न. प्राण जो होता है ये हमारे विचार शैली, ये विचार शैली की पद्धति या नियंत्रण होता है. व्हेन आवर थॉट्स आर वेरी क्लीन, holy and heal and joy, then that's a great strength in our life. हमारे विचार अगर शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं और सुंदर होते हैं, वही सबसे बड़ी बात है जो हमारे अंदर में एक आनंद और समाधान को लाते हैं. That's what every day morning we are bringing the words of Christ, omnipotent words, into our soul. As a breakfast, the bread of life. इसलिए इस सुंदर सुबह में नाश्ता के तौर पर हम यीशु ने जो वचन दिए हैं, जीवन के वचन है, हमारे प्राणों के लिए लेके आते हैं. But how to convert the words of Christ as a bread of life inside our soul? और जो मसीह के वचन है वो हमारे जीवन के अंदर जीवन के वचन बोलकर किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं. आवर सोल हैज 21 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज और द रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वी हैव टू एक्टिवेट आवर सोल विद द हेल्प ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड सो दैट आवर सोल विल डू द proper ministry of meditation.
मेडिटेशन एंड मेडिटेशन ये किस ऐसे बातें हैं जो कार्य है जो हमारे प्राणों के द्वारा किए जाते हैं और उसके लिए वो जो परमेश्वर का जो जीवंत वचन है सर्व सामर्थ्य वचन है जो यीशु हमारे नाश्ते के तौर पर हमारे प्राणों के लिए दिया जाता है ताकि उसके द्वारा हमारे प्राण और हमारे विचार सारे कार्यरत रह सके. So you, if you refer Psalm number 1 verses 2 and 3, Bible tells us to meditate the word of God. भजन संहिता पहला अध्याय दूसरे तीसरे वचन में कहते हैं पवित्र शास्त्र हमें कहती है कि पवित्र वचनों पर मनन किया करो. So when we meditate the word of God in our soul, so that time the word of God will become a divine food for our inner man and bring joy and happiness to our soul, joy and happiness to our inner heart. हमारे अंदर हृदयों के अंदर और प्राणों के अंदर ये एक आनंद और समाधान और एक शांति लेके आता है जब हम इस वचनों के ऊपर मनन करने लगते हैं. ये वचन हमारे जीवन के अंदर ये अच्छा और विशेष कार्य करता है. इफ यू रीड जेरेमिया चैप्टर 15 एंड वर्स नंबर 16 देयर इट्स वेरी रिटन वेरी क्लियरली I ate your word that went inside my heart, that's a soul, and brought joy and happiness. यर्मिया के चौथे के जो यर्मिया किताब के चौथा अध्याय 15-16 वचन में लिखा है कि मैंने उस वचन को खाया और वह वचन मेरे अंदर एक आनंद और शांति लाया. But the Antichrist always working against Christ in our soul, he doesn't like our soul, our heart should be happy. हमारे प्राण और हमारा हृदय आनंदी और समाधानी और खुश रहे इसके लिए कौन नहीं चाहता है. जो क्रिस्त विरोधक है मसीह विरोधक है वो ये इस बात को नहीं चाहता है. So what he does it, what the Antichrist he does it. तो मसीह विरोधक क्या करता है. एंड एंटीक्राइस्ट ही इज ब्रिंगिंग एंड फिलिंग हिज वर्ड्स द वर्ड्स ऑफ एंटीक्राइस्ट एंड दैट इज कॉल्ड इनइक्विटी. ही इज ब्रिंगिंग इनइक्विटी इन अवर सोल. और जो मसीह विरोधक है हमारे प्राणों के अंदर अपराध के विचार लेके आता है और हमारा जीवन अपराधों से भर देता है. When the iniquity filled in our soul, then we cannot able to meditate the word of God. We cannot able to convert the word of God as a bread of life, especially joy and happiness will not be in our heart. जब इस समय अपराध के विचार हमारे प्राणों के अंदर काम करने लगते हैं तो हम लोग आनंद से शांति से और खुशी से समाधान से इस वचन को अपने प्राणों के अंदर नहीं ले पाते हैं और इसके बदौलत हमारे जीवन विचार श्रृंखला बदल जाती है. सो दैट्स द रीजन जीसस क्राइस्ट केम डाउन अराउंड 2000 ईयर्स बैक ड्यूरिंग हिज फर्स्ट कमिंग. He died for us, buried and resurrected for us. His body was sacrificed for us. इसीलिए 2000 साल पहले यीशु इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने सारे बातें स्वर्गीय राज्य के रहस्य के बताए और अपने प्राण खो दिए हमारे लिए बलिदान दिया तीसरे दिन जी उठे और हमारे लिए ये काम कर दिया. During the first coming of Jesus, He said very clearly, "You eat my flesh and drink my blood, you will have an eternal life. I will raise you in the last days." That's a John 6th chapter, verse number 54. यौना का छवा आधा और चौपनवे वचन में लिखा है कि अगर तुम मेरा शरीर खाओगे तो तुम जीवित रहोगे. वह जीवन है वो अनंत काल का जीवन है. So when we eat the body of Jesus, flesh of Jesus, the blood of Jesus,
That is a word of God, words of Christ. So when we eat the words of Christ, our soul will get happiness, joy, healing, holiness, sanctification. और जब मसीह के वचन हम लोग खाते हैं तो हमारे अंदर में जो आनंद है, शांति है, समाधान है और शुद्धता है वो आने लगती है. So when we get the healing of our souls, sanctification of our souls, joy and happiness filled in our soul, then the God's palace is built inside our soul. जब हमारे प्राणों के अंदर में हम लोग इस वचन को खा लेते हैं, परमेश्वर के वचनों को खा लेते हैं, तो हमारे अंदर में शांति समाधान आते हैं और प्राणों के अंदर शुद्धता आती है और परमेश्वर हमारे प्राणों के अंदर उसके मंदिर को बना लेते हैं. So the kingdom of God, expressly the palace of God, the house of God will be built in our soul. और परमेश्वर का राज्य है और परमेश्वर का घर है, उसकी स्थापना हमारे प्राणों के अंदर होने लगती है. Then according to the Colossians chapter number 1 verse number 27, Jesus Christ is coming and dwelling in our soul as the hope of glory. और महिमा की जो आशा है वो कलुशियंस पत्र में पहले अध्याय वचन में लिखा है कि इस वचनों के द्वारा और परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा और उसके वचनों के द्वारा जो जीवन के लिए हमारे वचन बन जाते, जीवन के वचन उसके द्वारा आती है. सो द ब्रेड ऑफ लाइफ इज ब्रिंगिंग द होप ऑफ ग्लोरी इन अस. सो जीवन का जो जीवन की रोटी है वो हमारे अंदर में महिमा की आशा लेके आती है. Glory be to the word of God. और परमेश्वर के वचन की महिमा हो. Let's pray now. आइए हम प्रार्थना करें. Our heavenly Father God, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, our God of Abraham, Isaac and Jacob, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर अब्राहम, ईसा, याकूब के परमेश्वर, Thank you for sending Jesus to die for us. धन्यवाद देते हैं कि यीशु को हमारे लिए भेज दिया था और उसने अपना प्राण उस जगह पर दिया. Thank you for God the Holy Spirit to dwell in us and lead us into all the truth. धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के कि हमारे अंदर रहने के लिए, बसने के लिए उस पवित्र आत्मा को भेज दिया और हमें सच्चाई की ओर ले चलता है. Thank you for building the kingdom of God in us. धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना तूने हमारे अंदर करना शुरू कर दिया. थैंक यू फॉर द ब्रेड ऑफ लाइफ टुडे एज अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. धन्यवाद देते हैं ये जीवन की रोटी के लिए जो परमेश्वर का वचन है और जो सर्व सामर्थ्य है जो हमारे जीवन के लिए, प्राणों के लिए दिया गया है. वी गिव ऑल ग्लोरी टू योर वर्ड, वर्ड अलोन. हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को ही महिमा महिमा देते हैं. फादर गॉड, वी आस्क दिस प्रेयर इन द नेम ऑफ जीसस विद द हेल्प ऑफ द गॉड द होली स्पिरिट. आमेन. हम परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और इस परमेश्वर वचन को धन्यवाद देते हैं और इस पवित्र प्रभु यीशु की सहायता से प्रार्थना करते हैं. आमेन. थैंक यू ब्रदरन फॉर जॉइनिंग विथ अस द ब्रेकफास्ट विद जीसस. Do not forget to join with us a lunch with God the Holy Spirit and dinner with God the Father. धन्यवाद देते हैं इस ब्रेकफास्ट के समय, नाश्ता, सुबह नाश्ता के समय में आपने अपना समय इस चैनल में और वचन के सुनने के लिए दिया. मैं धन्यवाद देता हूं और ना भूलिए दोपहर का खाना जो लंच है और हम पवित्र आत्मा के साथ में खाने जाने वाले. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल सत्यमार्गम टीवी चैनल and press the bell icon, bell button, and we would like to hear your feedbacks, comments also.
धन्यवाद देते हैं, आपने सब्सक्राइब किया है और बेल का बटन दबाया है, और मैं चाहता हूं कि आप हमें फिर से इस बातों को आपको कैसा लगा है और कैसे आपके अंदर में कार्य हो रहा है फीडबैक हम लोग लेना चाहते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस प्रोग्राम इफ एट ऑल यू फील ब्लेस्ड देन व्हाई डिडंट यू इंट्रोड्यूस द चैनल एटलीस्ट 2-3 ऑफ यूर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स churches every day 2-3 members, that'll be a great blessing to us, and it's a kind of a cooperation in our ministry to spread the secrets of the word of God. हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को देखने के बाद सत्य मार्गम चैनल को देखने के बाद सारी बातें आपको कैसी लगी हैं, अगर आप आशीर्वादित हो चुके हैं तो इसके बारे में सारे अपने मित्र परिवारों को अपने कलीसिया के लोगों को जो लोग जानना चाहते हैं परमेश्वर वचन को और गहराई से उन्हें अवगत कराएं उन्हें बताएं ताकि हम हमारी सेवकाई की आशीर्वादित हो जाएगी और आप भी आशीर्वादित हो जाएंगे और वो लोग जो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं सच्चाई को पाकर आशीर्वाद हो जाएंगे, ये हमारी सेवकाई के लिए बहुत सहयोग हो जाएगा। Glory be to the word of God. परमेश्वर के वचन को हम महिमा देते हैं। Glory be to the word of God. परमेश्वर के वचन की महिमा हो। Glory be to the God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. परमेश्वर पिता की महिमा हो, परमेश्वर पवित्र आत्मा की महिमा हो और परमेश्वर पुत्र यीशु की महिमा हो। We welcome you to join with our spiritual courses and academical courses. हम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कोर्स में ज्वाइन होने के लिए जो आध्यात्मिक तौर पर कोर्स है और जो बाहरी स्वर्ग संसार के ज्ञान के बारे में के कोर्सेस है. If you visit our website www.truth.edu.in, it's given in the TV itself. You can watch all of our courses, you will get all the details. आप हमारे वेबसाइट में जाकर और जो ट्रुथ मार यूनिवर्सिटी के एडीयू टाइप करने के बाद में हमें आपको सारे कोर्सेज की जानकारी आप मिल सकती है. सो वी हैव अ 12 स्पिरिचुअल कोर्सेज, इट्स अ लॉन्ग टर्म कोर्सेज, 2-3 इयर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट. ये बहुत लंबे समय तक चलने वाले, कम से कम 2 घंटे तक चलने वाले कोर्सेज हैं. देन वी हैव अ मीडियम टाइप ऑफ कोर्सेज, वी कॉल इट अ मीडियम कोर्सेज, that will run for 1 year, 12 months. एक साल तक चलने वाले मीडियम टर्म के कोर्सेस है, उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, ऐसे भी कोर्सेस हमारे पास में है. So now we understand your time availability very limited. So now we are bringing short term courses for 3 months. इसलिए आपके पास समय की उपलब्धियां कमी होने की वजह से हमने ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो थोड़े समय में खत्म हो सकते हैं उसके को इस इन कोर्स को लाए हैं. फॉर द 3 मंथ्स वी आर टीचिंग यू 12 आवर्स, 12 आवर्स ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग. ये थोड़े समय के कोर्स 3 महीने तक चलने वाले हैं, इसका मतलब है कि 12 घंटे तक चलने वाले. सो इन द 3 मंथ्स एवरी मंथ वी conduct the classes 2 times, first part of the month and the last part of the month, 2 classes covering with 2 hours plus 2 hours, 4 hours. और महीने के पहले हफ्ते में और महीने के आखिरी हफ्ते में 2 क्लासेस हो जाएंगे, 2-2 घंटे के. ये हर एक महीने में इस प्रकार से 3 महीने तक ये क्लासेस चलेंगे. सो टोटल 3 मंथ्स into 4 hours, 12 hours, the teaching of 100 secrets in any of the courses. और 100 ऐसी रहस्यपूर्ण बातें आप इस 12 घंटे के क्लास में सीखने वाले जो 3 महीने का कोर्स है आपको दिए जाएंगे. I'm introducing few short-term courses now. और मैं आपको short-term courses के बारे में के जानकारी अभी दे रहा हूँ. Number one. पहली बात है Try Life, John 5:39, a short-term course for how to do the research, how to do the meditation, and how to do the discriminating, discerning the word of God.
और परमेश्वर के वचन को हम किस तरह से समझे, उसका अर्थ कैसे लगाए और उसके ऊपर अध्ययन कैसा करें, इसके बारे में हम लोग योना के किताब में से आपको बताएंगे। दिस इज कॉल्ड ट्राई लाइफ John 5:39। और इसको कहते कि ट्राई लाइफ जाए जॉन योना का पांचवा अध्याय तीसरे और नौवे वचन तक। सो वी गिव यू 7 काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग। इस प्रकार से 7 अलग अलग प्रकार के हम लोग कोर्सेस आपको देंगे। नंबर 1, पहली बात, हाउ टू रिसर्च मेडिटेट डिसर्निंग द कैरेक्टर्स इन द बाइबल। और परमेश्वर के वचन में जो इतने सारे कैरेक्टर दिए हैं, जो चरित्र दिए हैं, उनके ऊपर अध्ययन कैसे करें, उनका अर्थ कैसे लगाए, उनके बारे में हम लोग कैसे समझ ले। अब्राहम मीन्स फेथ, एस्थर मीन्स फास्टिंग, जोब मीन्स पेशेंस। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी टेल्स, नो वी गो इन अ डिफरेंट वे। और अब्राहम मतलब विश्वास है और रूथ मतलब उपवास है और या अय्यूब के बारे में कहते हैं कि वो सहन करने वाला व्यक्ति, ये हम लोग समझते हैं लेकिन ये बात सही नहीं है। टीच एंड ट्रेन यू द कैरेक्टर रिसर्च बाय रिसर्चिंग सोल स्पिरिट बॉडी ऑफ दैट पर्सन। और हम लोग उन चरित्रों के बारे में, उन इंसानों के बारे में, उन लोगों के बारे में बताएंगे, उनके प्राण शरीर आत्मा के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। सेकंड रिसर्च ट्रेनिंग दैट इज कॉल्ड हाउ टू फाइंड आउट पासवर्ड इन अ वर्स इन अ चैप्टर इन अ बुक। और ये पवित्र शास्त्र में वचन में कहाँ पर कौन सा अध्याय है, कौन सा वचन है और उनके वचनों के अंदर के नंबर जो है, संख्या जो है, उनका अर्थ हम कैसे लगा सकते हैं। थर्डली, हाउ टू फाइंड आउट द एनकोडिंग वर्ड इन द बाइबल एंड मीनिंग ऑफ द एनकोडिंग वर्ड। तीसरी बात है कि बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर जो कोड दिए है, जो संयुक्त संख्या दी गई है, उसका अर्थ हम कैसे लगाए। फोर्थली, हाउ टू फाइंड आउट द secrets and mysteries and the meaning of it in the Bible. और हम लोग चौथे बात जो है उसके बारे में देखेंगे, जितने सारे रहस्य दिए हैं, रहस्यों का अर्थ कैसे लगाएंगे और उसका अनुमान कैसे लगाएंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। The fifth training, how to prepare a subject, a message, a teaching in the Bible. और परमेश्वर के वचन के अंदर की शिक्षा समझने के लिए और उसके बारे में बताने के लिए, उसका वचन को अध्ययन करने के लिए हम लोगों को तैयारी करनी, कैसी प्रकार से करनी है, ये चौथी बार है। द सिक्स्थ पॉइंट, हाउ टू आंसर ए डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बाइबल। इज समवन रेजिंग सम डिफिकल्ट क्वेश्चन विच यू डू नॉट नो अर्लियर, नेवर माइंड, यू फॉलो अवर मेथड, you can answer any questions raised by anybody in the Bible. और आगे का जो छवी बात है, हम उस कोर्स में इस प्रकार से बताएंगे कि जब कभी भी कठिन समय, कठिन प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे और वो उसका जवाब आप किस प्रकार से अपने आप देंगे, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर हम आपको बताएंगे। How to find out true meaning in the Bible, simple meaning, spiritual meaning and secret meaning of a word, verse, chapter, how to find out that, we teach you these 7 kinds of training which will be very 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 useful to you. Please join with our course. हमारे इस कोर्स में जरूर जरूर जुड़ जाइए क्योंकि ये ऐसे 7 अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण कोर्सेज हम आपको बता रहे हैं कि समय क्या होता है और समय के अंतर्गत कितने सारे वचन दिए गए, वो समयों का अर्थ कैसे लगाए, उसके बारे में तैयारी कैसे करें और औरों को भी किस प्रकार से तैयार करें, ये सारे बहुत जानकारी हम आपको गंभीरता से और महत्वपूर्ण बातें देंगे। सेकेंड कोर्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग दैट इज कॉल्ड Divine Bible Maths Course. How to find out the numbers in the Bible, the meaning of the numbers in the Bible and the secrets of the numbers in the Bible. और जो दैवी ज्ञान है परमेश्वर के वचन के अंदर में, उसका अर्थ कैसे लगाएं, उसके रहस्यों का अर्थ कैसे लगाएं, जो नंबर्स दिए, जो संख्या वहाँ पर दिए, संख्या का गुणात्मक अर्थ क्या होता है और वगैरह वगैरह, जो सारे बातें हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। बाइबल स्टार्ट्स विद द नंबर 3,
पवित्र शास्त्र शुरुआत होती है तीन नंबर से. नंबर थ्री इज अ नंबर ऑफ अ डिवाइन परफेक्शन ऑफ फादर गॉड. तीन नंबर जो है परमेश्वर के परिपूर्णता का प्रतीक जो है. एंड देन नंबर फोर इज नंबर ऑफ परफेक्शन ऑफ द वर्ल्ड. चौथा नंबर जो है चार नंबर उसका अर्थ होता है कि संसार की परिपक्वता के बारे में. नंबर फाइव इज नंबर ऑफ ग्रेस एंड मर्सी इन द बाइबल. और कृपा कृपा और सत्य उनका अर्थ कैसे समझ ले उसके मतलब क्या है ये पांचवी बार हम पांच पांच नंबर का अर्थ निकलता है. नंबर सिक्स इज अ नंबर ऑफ ह्यूमन परफेक्शन. और छवा नंबर जो है उसका अर्थ निकालता है कि मनुष्य की परिपूर्णता. नंबर सेवन इज अ परफेक्शन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इन द बाइबल. सातवा जो नंबर है सात शब्द जो है सात जो नंबर संख्या है उसका अर्थ होता है ये परमेश्वर के वचन की परिपूर्णता. नंबर एट इज अ नंबर ऑफ द परफेक्शन ऑफ क्राइस्ट इन द बाइबल. आठ जो नंबर है उसका अर्थ निकलता है कि मसीह की परिपूर्णता. नंबर नाइन इज अ नंबर ऑफ परफेक्शन ऑफ द गॉड द होली स्पिरिट. और नौवा जो नंबर है उसका अर्थ निकलता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता. फ्रॉम नंबर थ्री टिल नाइन द सेवन डिजिट हाउ टू मल्टीप्लाई हाउ टू डिवाइड हाउ टू एड अप हाउ टू माइनस देन हाउ यू गेट द वेरी एक्सलेंट डीप मीनिंग ऑफ दैट दिस इज अ ट्रेनिंग वी आर गिविंग डिवाइन बाइबल मैथमेटिकल ट्रेनिंग. और दैवी और शास्त्र जो है मैथमेटिक्स के बारे में संख्या शास्त्र जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस कोर्स में. प्लीज ज्वाइन विद अवर कोर्सेस एनकरेज योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड चर्चेस टू ज्वाइन विद अस. और आपके मित्र परिवारों को और मंडली के लोगों को इस कोर्स में जुड़ने के लिए और आगे इन्हें प्रोत्साहित कर दें.